मामला झाबुआ जिले के प्रमुख द्वार एवं औद्योगिक नगरी मेघनगर का है, जहां के महिला बाल विकास विभाग परियोजना का मामला सामने आया है, जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति करती है। यह खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हुआ है, जहां एक आरटीआई कार्यकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा संबंधित कार्यकर्ता के शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण की जानकारी प्राप्त की गई है, जिसमें संबंधित कार्यकर्ता द्वारा नियुक्ति हेतु दिए गए दस्तावेजों के कूटरचित एवं फर्जी होने का सच सामने आया है। हम आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व मेघनगर परियोजना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रंभापुर की नई तोड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति की गई, जिसमें अधिकारियों ने साठगांठ करके फर्जी दस्तावेजों की जांच करे बिना ही नियुक्ति दे दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने कई बार इस विषय से संबंधित विभाग में शिकायत की, परंतु अधिकारियों के मिले भगत से मामले को दबा दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री का यह गृह जिला है, लेकिन अधिकारियों को शायद इस बात का डर तक नहीं है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद आगे क्या होता है। क्या मामला क्या है? ग्राम पंचायत रंभापुर नई टोड़ी आंगनवाड़ी की भर्ती की गई, जिसमें उषा पर्वत सिंह चौहान की भर्ती फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर की गई। सर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उषा सिंह चौहान की बिना दस्तावेज जांच किए हुए और नियुक्ति की गई, जिसकी सर नियुक्ति की गई है ना सर, उसके दस्तावेज फर्जी है सर, और उनकी जांच भी सर अधिकारी द्वारा नहीं की गई है सर, और उसका सबूत सर मेरे पास है सर, और मैं सब स्कूल से सब लिखवा लाया हूँ सर। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर दीपक डामोर है, मैं निवासी रंभापुर और मसौर मोहल्ले से हूँ सर।